को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और इन सब की सेना इकट्ठी होकर जब पहुंची है समुद्र के किनारे, तो बड़ा प्रश्न है समुद्र पार कैसे करें, लंका तक जाएं कैसे। और उसके पहले की घटना यह है कि यह तय किया गया कि भाई हम सब समुद्र जाएंगे पार करने के लिए, उसके पहले किसी एक को भेज के देख लो। तो हनुमान को भेजा गया है, वो लंका पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद वो सब जो उन्होंने किया है वो आप सब जानते हैं। लौट के हनुमान जी पूरा वर्णन कर रहे हैं, रावण ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसकी सेना इतनी है, महल ऐसा है, सुरक्षा इतनी है, पहुंचना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तो व्यूह रचना हो रही है। तो पहली व्यूह रचना की समुद्र पार कैसे करें, एक हनुमान तो जा सकते हैं, सबकी तो ताकत नहीं है, तो पुल बनाओ। तो पुल बनाने के लिए राम एक भाषण देते हैं अपनी सेना के सैनिकों कि हमें पुल बांधना है, लेकिन यह असंभव है। क्यों? समुद्र पर पुल बांधना यह तो कभी हुआ नहीं है, राम जी के पहले तो कभी हुआ नहीं है और राम जी के बाद भी हुआ नहीं है। पूरी दुनिया में समुद्र पर पुल बांध दिया हो ऐसी कोई घटना नहीं है। और बचपन में मैं सुना करता था हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अथीस्ट कहते हैं। अथीस्ट समझते हैं? नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये सब कल्पना है, कपोल कल्पना है। ऐसे बहुत लोग हैं। उनमें से हमारे एक टीचर भी थे, हिंदी पढ़ाते थे हमको, और एकदम नास्तिक। और आप जानते हैं कि हिंदी में तो ये सब आता ही है, रामचरितमानस भी आता था, हमें पढ़ना पड़ता था, और 10 नंबर का सवाल भी आता था उस पर, तो उन्हें वो रामचरितमानस पढ़ानी भी पड़ती थी। तो वो पढ़ाते जाते थे, अंत में एक लाइन जोड़ देते थे, ये सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। अब एक दिन हम सब पढ़ रहे थे यही कि भगवान राम ने पुल बांधा, तो पुल बांधा तो उसका वर्णन तो बहुत विस्तार से, मैं तो आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो वो हमारे जो प्रोफेसर साहब कहने लगे ये बिल्कुल असंभव है, कभी किसी ने पुल बांधा नहीं और पुल बंधे समुद्र पर, ये हो नहीं सकता, विज्ञान से ये सहमत नहीं, माने विज्ञान से सम्मत नहीं है, विज्ञान इसकी परमिशन नहीं देता कि पुल बन जाए किसी समुद्र में। तो उस समय मुझे तो कुछ समझता नहीं था और बात तो उनकी याद थी मुझे। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई करता था, अब अमेरिका में नौकरी करता है, नासा में काम करता है, तो उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजा। उसने कहा देखो हमारे नासा के सैटेलाइट ने कुछ फोटोग्राफ्स उतारे हैं जो तुम्हारे बहुत काम के हैं। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो फोटोग्राफ्स का विषय क्या, लेकिन जब वो आए मेल के द्वारा और मैंने मेरा मेल बॉक्स खोला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो फोटोग्राफ 5,13,000 वर्ष पहले के, 5,13,000 वर्ष पहले का कोई पुल बना है श्रीलंका और भारत के बीच में उसके फोटोग्राफ्स। बाद में मैंने वो फोटोग्राफ्स देखने के बाद नासा के डायरेक्टर को मेल किया, जॉइंट डायरेक्टर को मेल किया, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट को, कि आप मानते हैं कि ऐसा कोई पुल है? उन्होंने कहा हां मानते हैं और ये पुल अभी भी जीवित है। रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम, वहां से शुरू होकर और लंका का आखिरी जो किनारा है वहां तक जाता है, पुल अभी भी जीवित है और 47 नॉटिकल माइल का है। और भारत के समुद्र के आखिरी किनारे से श्रीलंका के समुद्र के पहले किनारे के बीच की दूरी भी 47 नॉटिकल माइल। तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे संभव है, सैटेलाइट तो झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि सैटेलाइट में कोई आदमी नहीं होता, झूठ बोलने की आदत तो आदमियों को होती है, मशीन तो ज्यादा नहीं बोलती, और उसकी प्रोग्रामिंग भी वैसी नहीं है क्योंकि अमेरिका ने यह प्रोग्रामिंग फीड करके सैटेलाइट नहीं छोड़ा था कि उस पुल का ही फोटो लेना है, वो तो दुनिया भर के फोटो उतार रहा है, घूमता रहता है, फोटो उतारता रहता है, अभी फोटो आ गए उसकी पकड़ में तो हम देख रहे हैं। तो अब अमेरिका के नासा के सब वैज्ञानिकों ने मान लिया कि भारत देश में 5,13,000 साल पहले कोई पुल बना था
और भगवान राम का समय ठीक आज से 5,13,000 कुछ 100 वर्ष का है, ठीक आज के समय। तो यह सिद्ध हो गया कि पुल बना था, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह अद्भुत है, ऐसा पुल अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? वो ये कहते हैं कि इस पुल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डुबोया गया है, और वैज्ञानिकों ने यहां तक कह दिया है कि इन बड़े पत्थरों को समुद्र के तल तक पहुंचाने के लिए पत्थरों के साथ जहाजों को भी डुबोया गया। और कम्बन रामायण में यह बात आती है कि भगवान राम ने नल और नील, नल और नील आप जानते हैं रामायण में है, नल और नील ये जो है ना सुग्रीव और हनुमान, इन्हीं के मित्र मंडली के दो लोग हैं, दोनों सिविल इंजीनियर, आज की भाषा में मैं कहूं वास्तु विशेषज्ञ हैं दोनों के दोनों, क्योंकि उनका वर्णन बहुत लंबा है कम्ब रामायण में। नल की विशेषताएं क्या है? नल की विशेषता यह है कि किसी भी तरह की सड़क का निर्माण, किसी भी तरह के भवन का निर्माण करने में सक्षम है नल। और नील की विशेषता क्या है? नील की विशेषता यह है कि पानी से जुड़ा जितना इंजीनियरिंग है, जिसको आज की भाषा में हाइड्रोलिक्स आप कहिए, उसका विशेषज्ञ। तो ये नल और नील दोनों भाई हैं, और राम की सेना के सैनिक बन गए हैं, क्योंकि ये सुग्रीव के दोस्त हैं, सुग्रीव राम के साथ आ गए। तो नल और नील ने पुल की नींव रखी है, ये हमने कम्ब रामायण में बार बार पढ़ा है। और नासा का सैटेलाइट कहता है कि नींव रखी गई है तो कुछ जहाज पत्थर लेके स्वयं डूबे हैं, क्योंकि वो जहाज भी अभी तक वहां है नीचे उन पत्थरों के साथ, और उन जहाजों का कुछ हिस्सा निकालकर कार्बन डेटिंग किया गया तो उम्र उनकी भी 5,13,000 और कुछ 100 वर्ष निकल गए। और कम्ब रामायण में कम्ब ऋषि ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे एक जहाज को राम भेज रहे हैं, उसमें पत्थर रखे हुए हैं और वो जहाज डूब रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरा डूब रहा है, फिर तीसरा डूब रहा है, ऐसे 47 जहाज डूबे हैं, उनके पत्थर रखे गए हैं, तब जाकर एक दीवार बनी है, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, इस तरह से पुल का निर्माण हुआ है। और वो पुल पूरा होने के बाद ये जो सेना है ये उस पर से लंका गई है। पुल बनाते समय बहुत ध्यान रखा है नल और नील में, इससे समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी कैसी है। नल और नील संवाद कर रहे हैं राम से कि पुल कैसा होना चाहिए, आप जरा बताइए। तो राम कहते हैं भाई तुम विशेषज्ञ हो, तुमको पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए। तो भी कहते हैं आप कुछ तो इशारा करिए, हम तो तकनीकी जानते हैं लेकिन आप तो गुण रहस्य भी जानते हैं, आप बताइए। तो राम कहते हैं देखो पुल ऐसा होना चाहिए जिस पर से मेरी पूरी सेना पार हो जाए और जरूरत पड़ने पर वापस भी लौट आए। ऐसा नहीं कि सेना पार हुई और पुल गया, जाए पूरी सेना और लौट कर वापस आए। तो नल और नील बड़े आश्चर्य में पड़ गए, वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी सेना जाए और लौट के भी वापस आए। तो राम कह रहे हैं कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूं इसी से वापस भी आऊंगा। तो नल और नील पूछ रहे हैं कि भगवान वो तो बड़ी अच्छी नगरी है लंका, सोने की है, हीरे जवाहरात है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, आपके बारे में तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप वहां जाके रहेंगे, रावण को मारेंगे और वहीं अपना आवास बनाएंगे। तब नल नील को उन्होंने कहा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जिस भारत माता ने मुझे जन्म दिया है वो स्वर्ग से महान है, भले वहां सुविधाएं कम है, धन संपत्ति कम है, लेकिन मैं लौटूंगा अपनी जन्मदात्री के पास, मैं लंका में नहीं रहने वाला। इसलिए पुल बनाते समय ध्यान इस बात का रखो कि सेना जानी चाहिए और पूरी वापस आनी चाहिए, तब तक पुल टूटना नहीं चाहिए। तब नल और नील कहते हैं कि तब तो इसमें समय लगेगा। तो राम कहते हैं लगने दो, तब तक तुम समय लगाओ पुल बनाने में, मैं सेना का प्रशिक्षण करता हूं, दोनों काम होते हैं। तब कम्ब रामायण में एक वर्णन है कि नल और नील कोई विशेष तरह का एक पदार्थ तैयार कर रहे हैं जो पत्थरों को जोड़ने का काम करे, और ऐसा पदार्थ हो जो पानी में भी ना घुले। तो नल और नील को यह पदार्थ तैयार करने में 13 दिन लगे हैं, जड़ी बूटियों का और पत्थरों का चूरा बना के, लेकिन पदार्थ इतना अच्छा तैयार हुआ है कि दो पत्थर के बीच में लगा दो
तो पानी से भी ना खुले। और अब नासा ने यह मान लिया है कि जो पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं कुछ अद्भुत पदार्थ से जुड़े हुए हैं जो 5,13,000 साल बीतने के बाद भी अभी तक घुला नहीं है और पत्थरों को जोड़कर उसने अभी तक रखा हुआ है। इसका माने कोई तो सिविल इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी रही होगी। आज की आधुनिक विज्ञान में ले देके जोड़ने के लिए एक ही चीज है, वो है सीमेंट। और सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है। 100 साल का सीमेंट है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग कितनी भी कंक्रीट वाली आप बना दो 100 साल के ऊपर नहीं टिकती। 100 साल के बाद बिल्डिंग जाती ही है। उससे अच्छा तो भारत का चूना है जो कम से कम 500 साल टिकता है, जिससे राणा प्रताप का किला बना हुआ है, या तो जोधपुर का किला बना हुआ है, या तो ये जयपुर का किला बना हुआ है, या तो शिवाजी महाराज के, वो 500 साल के हैं जो चूने से बने हैं। लेकिन नल और नील के पास इन दोनों से अलग कोई तीसरी चीज है जो 5,13,000 साल से टिकी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन में, सिविल में इतनी ऊंची टेक्नोलॉजी, ये तो किसी ने कल्पना नहीं की। बहते हुए समुद्र के पानी पर पुल बना दे कोई, ये तो आज की इंजीनियरिंग के विषय के बाहर है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिविल और कंस्ट्रक्शन में हैं, और उनमें से मैं बहुत बार चर्चा करता हूं कि यार कोई तो कल्पना करो, कोई तो हाइपोथेसिस लाओ कि समुद्र के पानी पर पुल बन सकता है। उन्होंने कहा हमारी कोई हाइपोथेसिस और कोई कल्पना उतनी दूर तक जाती नहीं कि समुद्र के बहते हुए पानी पर पुल बन सके। मैंने कहा यार ये तो बनाया 5,13,000 साल पहले, दो बड़े सिविल इंजीनियर हुए नल और नील, दोनों ने बना के दिखाया और नासा ने अब मान लिया कि हाँ ऐसा पुल था। तो इससे सिद्ध यह होता है कि राम के जमाने की टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची रही होगी। और अब जब ये सबूत मिल गया, ये देखिए दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो मेरे जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो विश्वास बाद में करते हैं, सबूत पहले मांगते हैं कि यार कोई प्रूफ दिखाओ तब तुम्हारी बात माने। तो उनके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो विश्वास पहले करते हैं और सबूत कभी नहीं मांगते कि हाँ ये हुआ ही होगा, क्योंकि राम में ये क्षमता है कि वो कर सकते हैं। और ऐसे करोड़ों लोग इस देश में, वो कभी सबूत नहीं मांगते कि राम ने पुल बनाया था तो कहां था, पत्थर कौन सा था, सीमेंट कौन सा लगा, एडहेसिव फोर्स था कि नहीं था, सरफेस टेंशन कितना रहा होगा, ये फालतू सवाल नहीं करते। मेरे जैसे कुबुद्धि लोग जो थोड़े आधुनिक शिक्षा में पढ़ गए, वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अब नासा ने वो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। तो उनके आधार पर मैं अब वैज्ञानिकों से चर्चा करता हूं कि कल्पना कर सकते हैं ऐसा कोई पुल था। उन्होंने कहा हमारी विज्ञान तो फेल है। तो इसका माने 5,13,000 साल पहले की विज्ञान को ज्यादा ऊंची रही होगी, तभी यह संभव था। और पुल बना है पत्थरों से, ये कहानी तो सब जगह एक जैसी है, क्योंकि जहां पुल बना है वहां पत्थर ही पत्थर है और कुछ है नहीं। पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई उन्होंने बनाया है पदार्थ, और वो पदार्थ इतना मजबूत कि इतने लाख साल टिक गए, और वो पुल इतना मजबूत कि सेना गई और वापस आई। और सिर्फ गई और वापस ही नहीं आई, लाखों साल तक वो पुल बना रहा, फिर समुद्र के किसी तेज बहाव के चलते, कोई सुनामी के चलते पानी का लेवल ऊंचा हुआ तो वो पुल नीचा पड़ गया, टूटा नहीं, पुल अभी भी सुरक्षित है। बस ये हुआ कि कभी सुनामी आई, तल बढ़ गया, पुल नीचे हो गया, टूटा नहीं है, अभी भी नहीं टूटा, तभी तो फोटोग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा। कभी समय और मौका मिला तो मेरे पास इस फोटोग्राफ्स का बहुत सुंदर कलेक्शन है, ये नासा से मंगाए हुए LCD प्रोजेक्टर मिले तो मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे लैपटॉप में अभी भी ये सारे फोटोग्राफ्स पड़े हुए। ये पुल इतना सुंदर है कि देखने के बाद मुंह से यही निकलता है कि क्या तकनीकी रही होगी, कितनी ऊंची तकनीक है। इस पुल की डिजाइन कैसी है वो भी सुनो। अंदर के जो फोटोग्राफ्स हैं जो स्पष्ट हैं, आप जानते हैं सैटेलाइट जो है ना, समुद्र के 90 से 150 किलोमीटर नीचे तक के चित्र बिल्कुल स्पष्ट खींच लेता है, आज जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में, पहले ऐसा नहीं था 20 साल पहले, लेकिन अब इस क्वालिटी के सैटेलाइट बनते हैं कि समुद्र में 150 किलोमीटर तक नीचे के फोटोग्राफ बिल्कुल स्पष्ट खींचे जा सकते हैं। तो जो पुल के फोटोग्राफ्स है ना, बहुत अच्छे से आए हैं।
तो पुल का शेप कैसा है? ऐसा है, जेड शेप होती है ना, जेड, अंग्रेजी का जेड बनाते ऐसे 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 ऐसे, ये है पूरा पुल। तो बहुत दिन में सोचता रहा कि नल और नील ने ये जेड शेप क्यों बनाया। आजकल के तो पुल जो हम देखते हैं आधुनिक जो इंजीनियर बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है पूरा, एक पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं, बांध बन गया। लेकिन उस समय जो उन्होंने बांधा है उसमें ये जेड शेप है, ये क्या चक्कर है? तो बहुत दिन में कई प्रोफेसर के साथ माथापच्ची करता रहा। बाद में समझ में आया कि समुद्र में पानी का प्रवाह और उसका दबाव बहुत अधिक होता है, और हम कोई स्ट्रेट लाइन खींच दें तो उसके ऊपर दबाव पानी का सबसे ज्यादा होता है, तो पुल टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो नल और नील ने अकल लगा के उसको ऐसे जेड शेप में बदल दिया ताकि दबाव हर दीवार पर बराबर पड़े और पुल नहीं टूटे। इतनी ऊंचाई हिंदुस्तान के लोगों में फिजिक्स की उस जमाने में 5,13,000 साल पहले, और आज के आधुनिक विज्ञान को पढ़कर निकले हुए जो पुल बनाते हैं वो ऐसे कि एक ही बाल में गया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, पानी का दबाव ज्यादा पड़ेगा जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन उसी को अगर आप जेड शेप दे दें, जिगजैग शेप दे दें, तो पानी का दबाव सभी दीवार पर पड़ेगा और पुल सुरक्षित रहेगा। इतनी अकल उनको है, इस तरह की विज्ञान। तो ये पुल बना है, पहले हम मानते थे कि कल्पना है, अब सिद्ध हो गया कि ये इतिहास है। और जब ये सिद्ध हो गया है तो अब मैं ये कहता हूं कि आगे भी बहुत कुछ सिद्ध